तेलंगाना में बस कंडक्टर ने मुर्गे का काटा, 30 रुपए का टिकट पैसेंजर ने ड्राइवर से छुपाने के लिए आजमाई थी ये ट्रिक। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में एक आरटीसी बस कंडक्टर ने मुर्गे को साथ ले जाने के लिए 30 रुपए का टिकट काटा। एक व्यक्ति साथ में मुर्गे को लेकर गोदावरी खानी में आरटीसी बस पर चढ़ा और उसे करीम नगर जाना था। बस के कंडक्टर ने उस व्यक्ति के साथ मुर्गे का भी टिकट काट दिया। अब ये खबर राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है। मोहम्मद अली बी पावर हाउस रामागुंडम में बस में चढ़ा और बस चालक दल से छिपाने के लिए मुर्गा को साड़ी में ढक लिया। सुबह करीब 11:30 बजे जब बस सुल्तानाबाद बस स्टैंड पर पहुंची तो मुर्गा साड़ी के अंदर जाने लगा। कपड़े में हलचल देखकर बस कंडक्टर तिरुपति ने मोहम्मद अली से इसके बारे में पूछताछ की। मोहम्मद अली ने कंडक्टर को बताया कि साड़ी में एक मुर्गा है। बिना समय बर्बाद किए कंडक्टर ने मुर्गे को 30 रुपए का टिकट थमा दिया और जब मोहम्मद अली ने मुर्गे के लिए टिकट जारी करने के बारे में सवाल किया तो कंडक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि आरटीसी बसों में सभी जीवित चीजों का शुल्क लिया जाएगा। गोदावरी खानी डिपो मैनेजर वी वेंकटेशम ने कहा कि जानवरों को बसों में जाने की अनुमति देना निगम के नियमों के खिलाफ है। कंडक्टर मुर्गा के साथ वाहन में सवार यात्री को नोटिस करने में विफल रहा। उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। जब भी उसे मुर्गा दिखाई देता कंडक्टर को बस से यात्री को नीचे उतारना पड़ता था। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने लाखों लाइक्स और कमेंट्स किए हुए हैं। तो आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।